खरगोन शहर के आनंद नगर सहित राधावल्लभ मार्केट में सरेराह महिला और उसकी दो बेटियों के साथ हुई मारपीट मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 7 फिलहाल फरार हैं। गिरफ्तार आरोपियों में 4 महिला और 1 पुरुष शामिल है। 5ों को रविवार रात ही गिरफ्तार कर लिया गया था। सोमवार को मेडिकल के बाद न्यायालय पेश किया गया है। उल्लेखनीय है कि मारपीट में घायल महिला और उसकी बेटी ने बस्ती में गांजा बेचने का वीडियो बनाने की बात पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था, जबकि पुलिस जांच में इससे इनकार किया है। थाना प्रभारी BL मंडोई ने बताया कि सरेराह महिला और उसकी बेटी के साथ मारपीट मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। 12 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है, जिसमें 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें 4 महिलाएं मधु, बेबी बाई, अनीता बाई, सुनीता बाई और संतोष पगारे शामिल हैं। घायल महिला और इनके बीच पूर्व में एक जमीन को लेकर विवाद भी सामने आया है। इन पर बॉन्ड ओवर की कार्यवाही भी हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि बेबी पगारे पूर्व पार्षद रह चुकी हैं, जबकि एक महिला पार्षद प्रत्याशी रह चुकी है। इन गिरफ्तारियों के बाद बस्ती वासियों का विरोध भी देखने को मिल रहा है। बस्ती वासियों का कहना है कि पुलिस ऐसे लोगों को भी आरोपी बनाए जो झगड़ा छुड़वाने गए थे। फिलहाल पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त की बात कही है। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। कल जो आनंद नगर वाली घटना घटित हुई थी, उसमें त्वरित जो पीड़ित पक्ष की तरफ से FIR की गई थी, धारा 307 का इजाफा के तहत FIR की गई थी उसमें। और कल रात्रि में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य आरोपी जो इसमें फिर फरार है उनकी लगातार दबिश दी जा रही है और उनको गिरफ्तारी का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कितने के लोगों की सर मुकदमा दर्ज हुआ? 12 मेन आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज हुआ। अभी कितने आरोपी सर इसमें अरेस्ट हुए? 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं 7 ओर से। क्या मामला बना सर? इसमें धारा 307 के तहत और बलवा के तहत FIR दर्ज की गई। सर, इसमें गांजा तस्करी की बात क्या आ रही थी, कल महिलाओं ने आरोप लगाया था, उसमें कुछ नहीं सबूत का? अभी तक की विवेचना में तो इस प्रकार के तथ्य नहीं पाए गए और सभी आरोपियों के जो आपराधिक रिकॉर्ड भी चेक किए गए हैं, कहीं इनके विरुद्ध तो इस प्रकार के आपराधिक रिकॉर्ड में कहीं गांजा या मादक पदार्थ संबंधी अपराध नहीं पाया गया है। विवेचना जारी है और इस विवेचना में इस बिंदु पर भी सघनता से जांच की जाएगी। कारण क्या होगा सर? कारण लगातार एक सामुदायिक भवन है जो कि एक समाज विशेष का था, उस पर एक अतिक्रमण की जो कार्रवाई, अतिक्रमण का जो एक मुद्दा आया था वो लगातार इनके विवाद के बीच में रहा है और समय समय पर इनका विवाद हुआ है तो प्रशासन द्वारा भी और नगर पालिका के द्वारा भी इसमें कार्रवाई की गई थी और इन दोनों पक्षों को उसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके बाउंड ओवर भी कराया गया था और बाउंड डाउन की कार्रवाई भी की गई है एक पक्ष के खिलाफ। तो इसमें कब्जा वब्जा है सामूहिक जमीन पे? ये चूंकि सिविल मामला है तो इसमें जांच नगर पालिका द्वारा या उनके द्वारा की गई थी और उसके तहत उनके कार्रवाई की गई है नगर पालिका द्वारा, जानकारी नगर पालिका ही बता पाएगी। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।